भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में गोरखपुर पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने पत्रकार वार्ता कर केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा किए गए कार्यों के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि अपराधियों और आतंकवादियों के लिए उत्तर प्रदेश में जगह नहीं है। पार्टी के क्या किसी भी नारे में आज तक भारत माता की जय बोला गया, वंदे मातरम बोला गया, क्यों नहीं बोला जाता है? और इतना ही नहीं, आज तक भारत माता के लिए डायन शब्द का प्रयोग करने वाले आपके अजीम व आजम नेता के लिए आज तक आपने माफी मांगी है क्या? तो बहुत साफ है कि अब अगले दो चरणों में और आज का जो मतदान हो रहा है इसमें यदि मिला लें तो तीन चरणों में विकास का नया स्वरूप, गरीब को अनाज दिलाना हो, गरीब को मकान दिलवाना हो, गरीब को शौचालय दिलाना हो, वहां से लेकर विकास का नया एक्सप्रेसवे, विकास का नया भवन बनाना हो, या भारतीय संस्कृति के गौरव के मान बिंदुओं की पताका को आकाश में स्थापित करना हो, एक तरफ वो हैं जो केंद्र में मोदी जी और उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो भगवान बुद्ध का तिरस्कार करने से लेके भारत माता को डायन कहने के लिए आज तक क्षमा नहीं मांग रहे। और अंत में मैं कहना चाहूंगा, एक संयोग भी है, ये गोरखपुर जो इसका पुराना नाम है, गोरखपीठ से आप देखिए राम मंदिर का संबंध क्या है। ये आप लोग प्रबुद्ध हैं इसलिए मैं ये भी एक लाइन बता देना चाहता हूं। दिसंबर 1949 में जब वहां श्री रामलला प्रकट हुए थे तो उनकी सबसे पहले पूजा अर्चना किसने की थी? इसी गोरखपीठ के महंत दिग्विजयनाथ जी ने। फिर 1986, 87, 88 में जब श्री राम जन्मभूमि आंदोलन प्रबलता के साथ, प्रखरता के साथ भारत में उभर कर सामने आया तो उसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने? दिग्विजयनाथ जी के शिष्य और यहीं के महंत अवैद्यनाथ जी। और जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने न्यायालय का निर्णय आने के बाद राम मंदिर का शिलान्यास किया तो हमारे मुख्यमंत्री कौन थे? इसी गोरखपीठ के महंत और अवैधनाथ जी के शिष्य वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी।